गणेशोत्सव से पहले महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार, एनसीपी विधायकों को मौका, जाने अजीत पवार के खास का दावा। एनसीपी सांसद और अजीत पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार गणेशोत्सव की शुरुआत में किया जाएगा। इस मंत्रिमंडल विस्तार में एनसीपी विधायकों को जिला संरक्षक मंत्री विभाग आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके दो डेप्यूटी अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस इस संबंध में निर्णय लेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और भाजपा मंत्री चंद्रकांत पाटिल के बीच कोई तनाव है, तटकरे ने कहा कि किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। रायगढ़ के सांसद ने कहा कि एनसीपी में हर कोई चाहता है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि ये हमारा सपना है कि वह मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम यथार्थवादी हैं और जल्दबाजी में नहीं है। हम महाराष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। हमें 2004 में पार्टी के एक नेता को मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला था, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे क्यों नहीं लिया गया। शिवसेना की तरह आयोग एनसीपी के लिए भी करेगा फैसला। तटकरे ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत का चुनाव आयोग ईसीआई जैसे शिवसेना के मामले में किया, वैसे अजीत गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और पार्टी के संविधान, संगठन और ताकत के आधार पर अपना निर्णय लेगा। हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग हमारे पक्ष में फैसला करेगा। अजीत पवार ने फिर शरद पवार पर साधा निशाना। इधर अजीत पवार ने दावा किया है कि एनसीपी के सभी विधायकों ने शरद पवार को पत्र लिखकर उक्त वक्त सरकार में शामिल होने का आग्रह किया था, जब उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार जाने वाली थी। ठाकरे की एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना वाली महाविकास आघाड़ी एमवीए सरकार एकनाथ शिंदे के बगावत करने पर पिछले साल जून में गिर गई थी। ये बगावत पिछले साल 21 जून से 30 जून तक चली थी, जब शिंदे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। शिंदे के नेतृत्व में हुई बगावत के दौरान राकांपा के कई विधायक गुजरात के सूरत और वहां से असम ले जाए गए थे। अजीत पवार ने कोल्हापुर में एक रैली में कहा कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने को थी, तब एनसीपी के लगभग सभी विधायकों ने पार्टी प्रमुख शरद पवार को पत्र लिखकर उनसे सरकार में शामिल होने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि ये गलत है, तो मैं राजनीति से तुरंत संन्यास ले लूंगा। यदि मेरा दावा सही है तो झूठ फैलाने वालों को संन्यास लेना होगा।